नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल सोनू टेक में। मैं सोनू हूँ और आज मैं बताऊंगा आपको कि टॉयलेट का जो आउटर लाइन है उसको कैसे निकाला जाए। तो टॉयलेट कंप्लीट करने के बाद जो उसका आउटपुट निकालते हैं मेन के लिए, टंकी से कनेक्ट करने के लिए, तो आज की इस वीडियो में वही बताऊंगा मैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है? वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तभी समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यही है। अब मैं बताता हूँ आउटर लाइन क्या होता है। देखिए कैसे निकाला हूँ मैं। अभी जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये टॉयलेट है। यहाँ चार टॉयलेट है, एक ये देख रहे हैं ये है, और एक इसके अंदर है, इधर भी है और एक इधर है। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं ये एक ये है और एक देखिए ये है, और फ्रेंड्स एक ये है। ठीक है, अभी तीन दिखा दिया, एक जो है अंदर है तो उधर अभी नहीं जा सकता मैं। तीन हूँ, चार टॉयलेट है। तो देखिए चारों का कैसे निकालना है। तो चार टॉयलेट को इसके साथ में अटैच कर दिया हूँ। ये जो है हमारा ये टैंक का है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये वाला मोटर का है। तो देखिए अब यहाँ से आउटपुट हो रहा है, ये वो आगे जाके रिड्यूस हुआ है। ये सबका वीडियो मैं डाला हूँ, पिछले वीडियो में मैं डाला हूँ अपने चैनल पर, उसमें देख सकते हैं जाके। और एक ये है, देखिए ये वाला आ रहा है उधर से, इधर भी सप्लाई दिया हूँ मैं। तो इसका सेपरेट है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। ये दोनों सेपरेट है और ये मोटर है फ्रेंड्स। तो अभी देखिए यहाँ ओवरबैंड लगा है, जहाँ पाइप के ऊपर पाइप चढ़ता है इस तरह क्रॉस किया जाता है। तो अभी यहाँ तीन पाइप हो रहा है मेरा, ठीक है। तो सबसे नीचे वाला मोटर का हो गया और ये दोनों मेरा आउटपुट हो गया। दो कनेक्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए दोनों को सेपरेट ही कर किया हूँ मैं। देखिए एक ये हो गया आउटपुट सप्लाई, टंकी में आउटपुट में लगेगा ये, और ये मोटर का हो गया। और ये वाला जो है इसका भी वीडियो मैं डाला हूँ। तो देखिए ये आउटपुट है, ये भी है, देखिए इधर जा रहा है दूसरी तरफ फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखिए यहाँ से तीन जा रहा है, तो इसमें एक मोटर का है और दो जो है आउटपुट है, टंकी में लगेगा। देखिए फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। अभी देखिए ये जो है हमारा, इधर भी टॉयलेट है, देखिए इधर से आ रहा है ये, आगे टॉयलेट है, एक और है टॉयलेट और एक उसके साइड में है, जस्ट बगल में, ठीक है। तो वो उसको जो है सेपरेट करेंगे उन दोनों टॉयलेट को। तो देखिए यहाँ पे एक पाइप है ये वाला, देखिए ये इसका सेपरेट है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक जो है, जो ये वाला है, ये मोटर का है फ्रेंड्स, ये मोटर का है। और ये जो मैं अभी दिखाया, इधर से आ रहा है ये वाला। अभी देखिए ये मोटर का हो गया, ये आउटपुट है, टंकी में लगेगा। और ये अभी तीन जो है मेरा, तीन उधर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो एक ये वाला सप्लाई आउटपुट है और ये मोटर है, ये भी सप्लाई आउटपुट है। एक और एक ये, देखिए एक ये और एक दो और एक ये तीन, ये तीनों जो है टंकी में लगेगा आउटपुट है। और ये वाला मोटर है मेरा, ठीक है, और ये भी मोटर है, दो मोटर है और तीन आउटपुट कनेक्शन है फ्रेंड्स। तो अब देखिए ये ऊपर निकाल दिया हूँ मैं, देख सकते हैं ऊपर गया है। चलिए अब मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स ये वाला मेरा नीचे गया है, तो यहाँ एक है, एक बाई पौना रिड्यूस कर दिया हूँ मैं। इधर एक ही सप्लाई जा रहा है, ये टैंक का है। देखिए इस तरह से इधर घुमाया हूँ मैं, यहाँ भी अभी नीचे जा रहा है मेरा, ठीक है। तो यहाँ एयर पाइप नहीं लगाएंगे, एयर एक जगह लगाएंगे मेंटेन करने के लिए। जब टंकी कनेक्ट करूँगा तो उसका वीडियो बना के दिखाऊँगा मैं आपको, ठीक है। और ये वाला देखिए, ये आउटपुट है, टंकी में लगेगा, और ये मोटर का है। तो ये भी यहाँ नीचे किचन है, किचन में जा रहा है ये टैंक और मोटर का सप्लाई। चलिए आगे दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी किचन है, ठीक है, यहाँ भी किचन है। तो अभी देखिए पाइप दोनों एक बराबर में ही निकल रहा था, एकदम आमने सामने। तो इसको थोड़ा सा 45 डिग्री बैंड लगा के मैं इधर आगे लिया हूँ इस तरह से। ये हमारा जो है, तो फ्रेंड्स ये जो है, ये वाला टंकी का है, ये मोटर का है। तभी जो है हमको आगे नहीं ले जाना है इसको, इसलिए यहाँ पे इंड कैप लगाया हूँ, ये कच्चा पुश किया हूँ, इसमें सॉल्वेंट अभी नहीं लगा है। तो टैंक का कनेक्शन जब करना होगा तब इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है।
फेंस अभी देखिए ये वाला है, ये भी किचन का ही है फेंस। अभी यहाँ नीचे जो है चार चार किचन है, इसलिए बार बार किचन रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो ये भी मेरा किचन का ही है। देखिए यहाँ से भी निकाला हूँ मैं, टैंक लगाते समय इसको उठाएंगे, ठीक है। ये देखिए फेंस अभी नीचे से आ रहा है। इसको मैं ऊपर रोक रखा हूँ, अभी इसमें एंड कैप लगा दूंगा मैं। देखिए मुँह खुला है, इसमें एंड कैप लगा देंगे ताकि इसमें कचरा ना जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जानकारी के लिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार, तो लाइक कर दिया करें प्लीज़, धन्यवाद। तो दोस्तों आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की जानकारी के लिए।